गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। तो स्वागत है आपका MIT गेमिंग में। और आज हम दो सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। तो पहले बुरे पे करते हैं। जैसे कि हाल ही में आपको पता होगा कि सरकार ने 118 ऐपों पर बैन लगाया, जिसमें हम सबकी चहेती पबजी भी है। और इससे कई लोगों का तो बहुत दिल को मतलब ठेस पहुंची होगी, पर यार सरकार ने जो भी करा है वो हम सब की भलाई के लिए और हम सब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किया होगा। तो जो किया है वो सही किया होगा। तो प्लीज़ ये गंदे गंदे कमेंट मत कीजिएगा, ये हमारे सिक्योरिटी रीज़न के उस पर हिसाब से सही है। और जो हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन चल रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी करा है, इससे हमारे देश की सिक्योरिटी पर ख़तरा ना हो। और जिस दिन पबजी बैन हुई तो उससे अगली शाम को ही अक्षय कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि हम एंड ऑफ अक्टूबर में मेड इन इंडिया ऐप, गेमिंग ऐप, बैटल ग्राउंड ऐप वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 4G फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप का जितना भी रिवेन्यू होगा, मतलब टोटल रिवेन्यू जितना भी होगा, उसमें से 20% भारत के वीर फंड में जाएगा, जो कि यार बहुत ही अच्छी बात है। और इससे कई लोगों को खुशी भी मिली होगी। और जो भी इस गेम के लिए मतलब एक्साइटेड हैं तो यार वो लाइक ज़रूर ठोकिएगा। और ऑब्वियसली सारे ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि यार ये पहली मेड इन इंडिया बैटल ग्राउंड गेम है। और ये तो हम बाद में देखेंगे कि ये इसके ग्राफिक पबजी जैसे हैं कि नहीं, पर यार मेड इन इंडिया यार प्राउड तो होता ही है। एक अंदर से मोटिवेशन भी आती है कि इंडिया भी गेमिंग हब में घुस रहा है, मतलब गेम्स बना रहा है, तो खुशी तो होती है ना यार अंदर से, तो इस मारे। और बाकी बात पबजी की, तो भाई पबजी भी अच्छी गेम थी, बट वो चाइनीज़ गेम थी इस मारे, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ गए थे इस मारे टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69 के हिसाब से उसको ब्लॉक करना पड़ा। और मेरे को पता है, और आप सब सपोर्ट तो करोगे यार सरकार को, मतलब उन्होंने हमारे लिए ही करा है, मतलब अपने लिए क्या करा उन्होंने, हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से। और आज के उसमें आपको पता ही है कि डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, तो इस हिसाब के यार ज़रूरी था। तो चलिए आप समझ तक के लिए अलविदा लेते हैं। और अगर कोई भी फौजी के बारे में अपडेट आती है पबजी के रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले टाइम से पहले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा भाई का चैनल MIT गेमिंग्स। और जब तक के लिए अलविदा देते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ भाई, लाइक ज़रूर ठोक देना यार।